Hello everyone, my name is Nikita Jain and currently I am officer trainee at the Indian Economic Services undergoing my training at Institute of Economic Growth, Delhi University. Today I am here to talk about my journey at the Delhi School of Economics where I did my master's from. And before going on to the journey, I would like to tell you a little about myself. So I was born and brought up in Jhansi, which is a district in Uttar Pradesh. And after my 12th, I went to do my graduation from Gargi College, which is a part of Delhi University, and I did it in BA Economic Honours. I completed my graduation in 2016, and uske baad 2016 mein maine Delhi School of Economics mein admission liya in Masters in Economics program. And 2016 se 18 mein main Delhi School of Economics mein thi. Uske baad ek brief period ke liye maine Morgan Stanley mein as a junior economist kaam kiya. And after that, I joined the Indian Economic Services. So in this video, I am going to talk about how my time was at Delhi School of Economics. मैं इस वीडियो में Delhi Knowledge Track के माध्यम से अपना experience at Delhi School बताना चाहूँगी और कॉलेज की लाइफ कैसी होती है इस पर भी थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी. So Delhi School of Economics is one of the premier institute in India. एंड इसमें कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. सो मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था मेरिट मोड के द्वारा क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही था. सो जो भी मैं बोलने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा. और यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ एडमिशन क्राइटेरिया की जो कि एंट्रेंस मोड में है. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट से कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. सो यूजुअली कई लोग पूछते हैं कि इसका लेवल क्या होता है. सो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट इट इज़ अ लिटिल टफ कंपेयर टू व्हाट यू रीड इन द अंडरग्रैड. सो थोड़ा सा प्रेपरेशन नीडेड होता है एंड द फोकस ऑफ द एग्ज़ाम इज़ अ लॉट ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. सो ये एग्ज़ाम को भी इसी ध्यान में रखा गया है कि जैसा कि कंटेंट और करिकुलम आपको DSE में पढ़ाया जाएगा. सो आई थिंक एक फुल फ्लेज्ड डेडिकेटेड प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट देना चाहिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. Delhi School of Economics में मास्टर्स के अलावा कई पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स का भी प्रोविज़न है जहाँ बच्चे MPhil एंड PhDs भी करते हैं. तो आप उनके भी एंट्रेंसेस के बारे में जान सकते हैं econ DSE की वेबसाइट पर जाके. मैं अब थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि MA प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स कैसा होता है दिल्ली स्कूल का. सो एक्चुअली वहाँ पे 200 बच्चों अप्रॉक्सीमेटली एडमिशन लेते हैं हर साल एंड आउट ऑफ दिस यू गेट 4 years टू कम्प्लीट योर डिग्री. यानी कि आपको 4 साल दिए जाते हैं कि आप अपना कोर्स पूरा कर ले. और यहाँ पे कई सारे क्रेडिट सिस्टम होता है यानी कि कई सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में. तो जहाँ तक फर्स्ट ईयर की बात है तो कोर्स काफ़ी ही ज़्यादा टेक्निकल होता है और टूल्स बेस्ड होता है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और सारे ही सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं. फर्स्ट ईयर आई वुड से इन माय ओपिनियन वाज टफर देन द सेकंड ईयर बिकॉज एकदम से ग्रेजुएशन के बाद आपका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है. सेकेंड ईयर में आई थिंक वट एवर कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स यू लर्न इन द फर्स्ट ईयर वो सबको अप्लाई करना सिखाते हैं सेकेंड ईयर में. सो जो भी कोर्सेज सेकेंड ईयर में हैं वो ज़्यादातर अप्लाइड बेसिस पे होते हैं. जैसे कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी पे कोर्स होता है, डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोर्स होता है और ऐसे ही काफ़ी वाइड वेराइटी के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आगे मे बी आपको आगे PhD करनी है या फिर इट्स कम्प्लीटली स्टूडेंट्स चॉइस विच एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट. सो यूजअली एक रूटीन डे की मैं अगर बात करूँ तो 9 to 4 क्लासेज होती हैं एंड ये सारे ही क्लासेज में अटेंडेंस नहीं होता. लेकिन अटेंडेंस ना होने के बावजूद सारे ही बच्चे क्लासेज अटेंड करते हैं बिकॉज जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपके पास उसका कोई और सोर्स नहीं होता है पढ़ने के लिए. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट डे से ही थोड़ा रेगुलर रहें कॉलेज में. इसके अलावा दिल्ली स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचिंग असिस्टेंट्स भी होते हैं जो कि जो भी बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनके हेल्प करने के लिए एक मेंटर सिस्टम बना हुआ है जिसमें हर तरीके से वो लोग चाहते हैं कि बच्चा सब्जेक्ट पे अपना ग्रास्प रख पाए. आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
ऑफ द सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, तो सारी ही मोस्टली क्लासेस इंग्लिश में ही होती हैं वहाँ पे. दिल्ली स्कूल की जो फैकल्टी जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिल्ली स्कूल, क्योंकि ये फैकल्टी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड में एंड मोस्टली ये सारे ही काफ़ी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं. पर्सनल अटेंशन आई थिंक इतना ज़्यादा शायद कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द क्लास साइज, इट्स ह्यूज, बट देर आर सो मेनी टीचिंग असिस्टेंट्स एंड आई थिंक अगर स्टूडेंट प्रोएक्टिव हो तो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हैं एंड दे रियली वॉन्ट पीपल टू कम अप इन द फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ आई कंपेयर दिल्ली स्कूल का जो एम ए कोर्स है बाकी और भी इंस्टीट्यूट से इंडिया में, आई वुड वॉन्ट टू से दैट यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलती है दैट इज़ एम ए इन इकनॉमिक्स, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन आपको नहीं मिलता है, जबकि दूसरे कॉलेजेस में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कई स्पेशलाइजेशन के साथ आपको डिग्री मिलती है. एट दिल्ली स्कूल जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सबको सेम डिग्री मिलती है विच इज़ एम ए इन इकोनॉमिक्स. दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज़ आई थिंक यहाँ पर कई ज़्यादा फोकस क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स पर किया जाता है रादर देन एक्चुअल क्वालिटेटिव इकोनॉमिक्स. सो आई वुड से यहाँ पर काफ़ी सॉफ्टवेयर्स, मैथ्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, तो थोड़ा सा लेवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स. यू इवन हैव सब्जेक्ट्स लाइक टोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एडवांस इकोनोमेट्रिक्स. सो यहाँ पे दिस मेक्स अ डिफरेंस एट DSE फ्रॉम द अदर कॉलेजेस. आई थिंक दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस इफ़ वी कंपेयर. अब अगर मैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूं आफ्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आई थिंक देर आर थ्री मेजर प्लेसेस वेयर एज अ स्टूडेंट यू कैन गो. फर्स्ट इज़ दैट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जहां पर काफ़ी कंपनीज आती हैं एंड इट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गिविंग द बेस्ट प्लेसमेंट्स. सो प्रोफाइल्स लाइक कंसल्टेंसी, डेटा एनालिटिक्स, जूनियर इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फॉर्म्स वहाँ पर आती हैं और कई ज़्यादा MNCs लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, गोल्डमैन सैक्स टाइप की फॉर्म्स आके बच्चों को वहाँ से जॉब ऑफर करती है. इंटर्नशिप्स की भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ कॉलेज में आपको दी जाती हैं और ये सारा कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस और चैनल के थ्रू होता है. सेकेंड इज़ दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर PhD एंड फर्दर स्टडीज़ इन इकनॉमिक्स, जो कि काफ़ी बच्चे जाते हैं एंड आई थिंक आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिल्ली स्कूल you get to get a very good chance in the foreign universities like NYU, Princeton, Oxford, etc. इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर रिसर्च बेस्ड थिंक टैंक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस जो अगेन दिल्ली स्कूल में आते हैं प्लेस करने. सो आई थिंक इफ़ यू टॉक अबाउट प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर DSE, इट्स क्वाइट ग्रेट. एंड डिटेल में जानने के लिए आप प्लेसमेंट ब्रॉशर भी देख सकते हैं जो कि DSE की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है. लास्टली मैं आपको कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगी जो कॉलेज के साथ साथ आपको मिलेंगी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. फर्स्ट इज़ दैट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है और सीट्स के अकॉर्डिंग, विच इज़ मेरिट बेस्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट होता है. सो गर्ल्स का हॉस्टल अलग है और बॉयज़ का हॉस्टल अलग है. माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज दैट आई वाज स्टेइंग इन अ PG नियर कमला नगर, बट ये अगेन इट्स अ इंडिविजुअल डिसीजन वेयर यू वांट टू गो. सेकेंड इज़ दैट देर इज़ अ डेडिकेटेड लाइब्रेरी एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया, विच इज़ रतन टाटा लाइब्रेरी. You have access for 2 years until the program is there. So you can go in the morning till the night 8 o'clock and you can access the books and everything, whatever resources are available. Third is that you also have a dedicated computer lab, जो कि जिन भी बच्चों को वहाँ बैठ के research करनी है या कोई भी software सीखना है तो उसके लिए भी dedicated facilities available है Delhi School of Economics के लिए. ऑल्सो आई थिंक जो कॉलेज का एक माहौल है वो टिपिकल थोड़ा सा अलग है बाकी DU के कॉलेजेस से, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस एंड अ लॉट ऑफ असेसमेंट इज़ ऑल्सो डन थ्रू आउट द कोर्स.
एंड इसका जो टिपिकल असेसमेंट होता है, जो एग्ज़ाम्स आते हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी DSE में 2 साल में सारे एग्ज़ाम्स पास करने के लिए. अदरवाइज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ बैक्स इन फर्स्ट ईयर एंड देन दे हैव टू रिपीट द एग्ज़ाम इन द सेकेंड ईयर. सो आई थिंक वंस यू आर प्लानिंग टू कम टू DSE, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम एंड गेट द डिग्री. सो टू सम अप, आई वुड से दैट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स टू कम एंड लर्न फ्रॉम. एंड सेकेंडली, इकोनॉमिक्स के अलावा भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो कि मेरी पर्सनल लर्निंग थी कि ऐसे टफ माहौल में भी कैसे आप काम रह सकते हैं एंड हाउ टू एक्चुअली सेल थ्रू ऑल ऑफ इट. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी. थर्ड इज़ दैट ऑल्सो इफ़ यू आर कमिंग टू डू मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आप मतलब जो भी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उस पर काफ़ी अच्छे से फोकस रखिए और आप डेफिनेटली सेल थ्रू करेंगे. I would like to wish luck to all the students who want to plan for a master's in economics, and I hope that you sail through the entrance exam. Thank you.